नैनीताल जिले में पर्यटकों के हैवी डीएल लाइसेंस होने पर ही वाहनों से नैनीताल आने की परमिशन दी जाने वाली खबर को भ्रामक करार देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कहा कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हिल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस केवल पहाड़ों में चलने वाले हैवी वाहनों के वाहन चालकों के लिए है। फिलहाल नैनीताल में आने वाले वाहनों के लिए किसी भी प्रकार के हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रोड सेफ्टी कमेटी के सामने मीटिंग में जो भी निर्णय होंगे उसको सार्वजनिक किया जाएगा। मेरे द्वारा आपका सबको सम्मानित पत्रकारों को बुलाया गया है और ये भ्रम की स्थिति जो क्रिएट की गई है उसको दूर करने के लिए बताया गया है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है उनको लेकर के हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है आपका रोड सेफ्टी की जो कमेटी है उसके सामने। उसमें अगर ये अप्रूव हो जाता है तो कमर्शियल व्हीकल के लिए इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे कार्य करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं है। इसलिए आपका जो ये भ्रम की स्थिति प्राइवेट व्हीकल को लेकर के हो रही है वो दूर करना आवश्यक है। दूसरा, जो कमर्शियल व्हीकल के लिए भी है इसका प्रपोजल रोड सेफ्टी जो कमेटी है हमारी उसके सामने हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। अगर सब स्टेक होल्डर्स इसमें एग्री करते हैं तो तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसलिए आपका इस भ्रम की स्थिति के उसमें ये कहना कि नैनीताल कोई नहीं आ सकता ये एक अफवाह है, और इस पर इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए ही मेरे द्वारा सामाजिक मीडिया के माध्यम से बैठ दी जा रही है। थैंक यू सर।